दोस्तों ये देखो दिल्ली धाम खाटू श्याम जी के, वहाँ पर दर्शन पाने के लिए भक्तों की काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अभी का जो टाइम हो रहा है 12:30, आई थिंक 3-4 बजे तक नंबर आ पाएगा हमारा। लेट्स सी। तो आप लोग अपने जूते चप्पल जो भी सामान है आप यहाँ पर मंदिर के बाहर जमा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम आपको ले जाने वाले हैं प्रवेश द्वार की तरफ, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चरण चिन्ह जो कि अष्ट धातु द्वारा निर्मित हैं। ये है दोस्तों, यहाँ पे अंदर भी आपको प्रसाद मिल सकता है। कितने रुपए का भैया? 50, 100, 130 जो जैसे लेना चाहे। यहाँ पे फूल वगैरह भी है। दोस्तों अभी भी हमें दर्शन के लिए काफ़ी टाइम बचा है और लाइन बहुत लंबी है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। तो ये देखो हमें अभी शक्तिपीठ यहाँ पे दिख रहा है और कुछ इस प्रकार से है। अभी हम यहाँ पर आगे जाएंगे, फिर आपको इसको पूरी तरीके से अच्छे से दिखाएंगे। तो दोस्तों आप जो है देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा घंटा है जो कि अष्ट धातुओं से निर्मित है और इसका वजन लगभग 800 किलोग्राम है, ये आप देख सकते हैं। क्या आनंद है। दोस्तों ये सारे कुंड हैं, जैसे इनके नाम लिखे हुए देखो, विमोचन कुंड, गुरु यज्ञ कुंड, सारे कुंडों के नाम हैं। अमृत यज्ञ कुंड, देखो दोस्तों किस तरह दिखाया गया है हमारे ऋषि मुनि कैसी कठिन परिस्थितियों में बैठ के साधु साधु संत लोग अपनी तपस्या किया करते थे, वही दिखाया गया है। पहले हम पहुंच गए यहाँ पर, तो काफी अच्छा लग रहा है। वहाँ अब यहाँ आते हैं तो खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी खाना आपको यहाँ मिलेगा। है दिल्ली छः,
जो कि हमारे दिल्ली में जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं जो आपको दिखते हैं रोड्स में, तो वो सारे के सारे स्टॉल्स के जो वैरायटीज़ हैं आपको यहाँ सारी की सारी एक जगह पे मिल जाएंगी, जिसको आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो अब हम आपको लेके जाने वाले हैं श्री गोवर्धन धाम, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गिरिजा पर्वत को अपने हाथों में उठा, अपने लिटिल फिंगर, सबसे छोटी वाली उंगली से उठाया था। तो दोस्तों यह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जब शिव जी ने हमारे विष पिया था तो ये कुछ उसी की चित्रण किया गया है, उसी का समुद्र मंथन का।